नमस्कार, विद्या भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। रीवा भोपाल क्लोन ट्रेन रीवा नागपुर रोज जबलपुर भोपाल ओवरनाइट रीवा तक रीवा में ट्रेनों का विस्तार होगा। जो गड़बड़ियां थी उनको दुरुस्त कराया जाएगा। सचिन बिरला के मामले में एक दो दिन के अंदर में निर्णय कर लूंगा वह कहना था मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का। विधानसभा अध्यक्ष रीवा में विंध्य टैक्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। ना एक ही नहीं, उसमें रेलवे के बारे में कई चीज़ें मैंने कही। एक तो रेवांचल को एक नंबर से लेना, उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि वो आगे भोपाल एक्सप्रेस निकलती है दिल्ली के लिए, उसको लगाना पड़ता। उनका कहना था कि जब हम रैक लाते हैं तो हमको 30 मिनट चाहिए, वो मिलता नहीं। उसका विकल्प हमने उनको दिया कि हमारी गाड़ी 9:45 चला दो, पर एक नंबर से चलाओ। न केवल ये कहा, मैंने ये कहा कि रेवांचल के लिए एक हमको क्लोन या डुप्लीकेट रेवांचल चाहिए। जो आप स्पेशल फेस्टिवल का चलाते हो उसकी जगह हम उसको रेगुलर कर दो, उसमें भी सहमत बनी है। तीसरा मैंने ये कहा कि जो नागपुर को गाड़ी जाती है इसको डेली करो। उनकी समस्या ये है कि यहाँ पर रीवा में वासी पीठ है, अनुरक्षण का स्थान नहीं है। तो हमने कहा उसका अनुरक्षण नागपुर में कराओ, वासिंग यहाँ कराओ, उसको डेली करो, उसमें भी सहमत बनी है। तीसरा मैंने ये कहा है कि ये जो जबलपुर आती है ओवरनाइट, यदि आपको अलग से नहीं देना उसी को यहाँ तक ले आओ रीवा तक। एक रीवा से बम्बई चाहिए अपने गाड़ी, वो मैंने उनको कहा है। तीसरी बात ये जो रीवा से आनंद विहार जाती है, तो उनका जब मैंने पहले पत्र लिखा था तो उनका जवाब आया था कि इलाहाबाद के यात्रियों को असुविधा होगी। तो कल मैं रिकॉर्ड के साथ गया था, इलाहाबाद से दिल्ली जाने वाली 46 गाड़ी है, 46 गाड़ियाँ इलाहाबाद से दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ 24 आवर्स में। तो यात्रियों को क्या सुविधा होगी 46 गाड़ियों में, यदि उनका काम नहीं चलता तो एक गाड़ी से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उनको कहा कि चित्रकूट में करवी धाम के लिए कोई गाड़ी रीवा वालों की नहीं है, आनंद विहार को रीवा से मानिकपुर होकर के चित्रकूट ले जाओ, और चित्रकूट से या ग्वालियर झांसी होकर के हज़रत निजामुद्दीन ले जाओ, तो हमको भारी सुविधा मिलेगी। इस तरह की बातों को मैंने कहा वहाँ। विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं, इस बार क्या नवाचार करने वाले? नवाचार तो बहुत करेंगे, इस बार देखना आप प्रश्नकाल को थोड़ा सा दूसरी दिशा में मोड़ने का काम किया है। और दूसरा ये काम किया कि एक दिन फिर 22 तारीख को हमारे नए विधायकों का महिलाओं का डे होगा, उस दिन केवल उन्हीं के प्रश्न आएंगे। इस तरह के तमाम सारे प्रयास कर रहे हैं। सचिन यादव ने बिरला सचिन बिरला भाई उसका निर्णय मैं जल्दी करने वाला हूँ। मैंने फाइल देख ली है, सब देख लिया है, अध्ययन कर लिया है, क्या निर्णय है आप सुन लोगे, एक दो दिन के भीतर उसका निर्णय आ जाएगा। थैंक यू। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।